वो भाजपा जो रक्षाबंधन के दौरान छुट्टी न मिलने पर बिहार में शरिया कानून लागू होने की बात कर रही थी और तालिबान का शासन होने की बात कहती थी, आज उसी भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हुए हैं। कहाँ गए हिंदू शेर गिरिराज सिंह, कहाँ गए सम्राट चौधरी जी? नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। के पाठक इन दिनों सुर्खियों में है और अब तमाम शिक्षक नेताओं का गुस्सा फूटा है, मोर्चा खोल दिया है, चेतावनी दे रहे हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने बहुत कुछ कह दिया है, साफ साफ लफ्जों में चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। वहीं क्या कुछ कर रहे हैं अन्य नेता जो हैं शिक्षक संघ के, वह भी खूब गरज रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं। के पाठक सुर्खियों में बने रहने के लिए शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। सबसे पहले आप तमाम शिक्षक संघ के नेताओं को सुनिए। होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के दिन भी विद्यालयों को खुला रखा गया है आज, और तो और 20,000 शिक्षकों को आज से अगले एक सप्ताह के लिए प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। और आश्चर्य की बात है, ये सब तब हो रहा है जब बिहार में भाजपा की सरकार है, वो भाजपा जो रक्षाबंधन के दौरान छुट्टी न मिलने पर बिहार में शरिया कानून लागू होने की बात कर रही थी और तालिबान का शासन होने की बात कहती थी, आज उसी भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ धरे हुए, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो कल तक हिंदू और हिंदुत्व की बात करते थे, वो आज हिंदुओं को सबसे बड़े त्योहार पर जब छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जबरन प्रशिक्षण करवाया जा रहा है, तो उनके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। कहां गए हिंदू शेर गिरिराज सिंह, कहां गए सम्राट चौधरी जी जो हिंदुओं की रक्षा करने की बात करते हैं? आज हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व त्योहार है और उस पर शिक्षकों से स्कूल में काम करवाया जा रहा है, और होली के दौरान जो शिक्षक आ रहे हैं उन पर बच्चे और गांव समाज के लोग प्रेम पूर्वक रंग अबीर कीचड़ गोबर डाल दे रहे हैं। शिक्षक मना भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रेम पूर्वक आग्रह पूर्वक ऐसा कर रहे हैं, वो होली का यह प्रतीक है, कैसे मना करें होली खेलने से? इस होली जैसी महापर्व महात्योहार में भी विद्यालयों को खुला रख करके भाजपा ने पूरे शिक्षक समाज को नाराज किया है। विपक्ष में रह करके वो हमारी बात मजबूती से उठाते थे, लेकिन सत्ता में आते ही वो भी बदल गए, उनकी भी एक नहीं चल रही है। शिक्षक समाज सभी राजनीतिक दलों से नाराज है, कोई भी राजनीतिक दल शिक्षा विभाग पर लगाम लगाने में सफल नहीं हो सका है। हम लोग इस होली के पर्व पर कसम खाते हैं, किसी राजनीतिक दल को वोट नहीं देंगे, नोटा बटन दबाएंगे, नोटा। त्योहारों के समय शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और विद्यालयों को भी खोला जा रहा है, और वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा फरमान भी जारी किया गया है कि जो प्रशिक्षण में अनुपस्थित होंगे उनका एक सप्ताह का वेतन काट दिया जाएगा। ऐसे देख रहे हैं, देखिए इसमें 20,000 से ऊपर शिक्षक और करीब 2,000 के लगभग जो ट्रेनिंग कॉलेज में इंस्ट्रक्टर हैं, स्टाफ हैं, सारे लोगों की छुट्टी रद्द कर दी गई और होली के दिन भी प्रशिक्षण देने का जो SCERT के डायरेक्टर का आदेश है, वो आदेश शिक्षा में सुधार के लिए नहीं है। एक तो मार्च में इनको कोरम पूरा करना था, वो बात थी, और जब ये बात मीडिया में आई तो उन्होंने इस तरह का पत्र जारी कर दिया। आखिर में मार्च में ही प्रशिक्षण क्यों, और वो भी होली के त्यौहार में? अरे आपको प्रशिक्षण देना था मार्च के बाद देते तो उससे कौन सा गुणवत्ता प्रभावित हो जाता? ये केवल शिक्षकों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार है और इस तरह के आदेश को ही हम लोग तुगलकी फरमान कहते हैं, जो कि आए दिन शिक्षा विभाग में बराबर हो रहा है। एक खास पदाधिकारी पद भी बता देते हैं, ACS साहब के आदेश पर कभी वो पत्र जारी करते हैं कि जितना भी टोला सेवक तालमी मरकज कनिये से कनिये लोग भी विद्यालय का निरीक्षण करेगा, तो दूसरी ओर मौलिक अधिकार से ऊपर अपने आप को वो संविधान से भी ऊपर समझते हैं, मौलिक अधिकार को शिथिल करके कहते हैं कि कोई संगठन का मान्यता नहीं है, कोई संगठन का मेंबर नहीं बन सकता। दूसरी ओर जब मुख्यमंत्री बिहार विधानमंडल में घोषणा किए हैं कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, तो वैसी स्थिति में उनके द्वारा यह कहा जाना और उनके नीचे के पदाधिकारी से अपने वो कहते हैं कि शिक्षक 10 से 4 पढ़ाई होगी, कुछ देर पहले आएंगे और कुछ देर बाद जाएंगे, लेकिन उनके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो आदेश जारी कर रहा है कि विद्यालय में 9 से 5 निरीक्षण करिए।
तो इस तरह की चीज जो हो रही है और उसी कड़ी में एक ये आदेश है, बताइए। हमने देखा है कि महिलाओं को रोते भी लगते हुए कि उनका बाल बच्चा बाहर से आया है और वे खुद प्रशिक्षण लेने चली गई होली के दिन। होली प्रमुख त्यौहार है बिहार में, प्रमुख नहीं बल्कि कहिए कि सबसे ज़्यादा प्रमुख त्यौहार है, जिसमें गाड़ी वगैरह भी नहीं चलता है। तो एक तो 25 तारीख को इन्होंने स्कूल खोल दिया, बच्चे नदारद रहे, दूसरी ओर अब 26-27 को प्रशिक्षण। तो एक केवल इनकी मंशा जो है, इनकी मंशा शिक्षकों को प्रताड़ित करने की है और ध्यान, समाज का ध्यान बटराने के लिए। जैसे ये इन्होंने परीक्षा लिया BPSC TR1 TR2 TR3 का तो हसरा आपने देख ही लिया, तो व्यापक पैमाने पर घालमेल हो रहा है, प्रश्न पत्र आउट हो रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए और साथ ही साथ ये जो विद्यालयों में लूट हो रही है, ये जो एजेंसी के माध्यम से चाहे सफाई का काम हो, मरम्मती का काम हो या अन्य सारे कार्यों को जो कराया जा रहा है, जिसमें करीब 1000 करोड़ के लगभग रुपए की लूट जो मची हुई है, उन सारी चीज़ों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह का काम कर रहे हैं लोग कि जनता का ध्यान ये रहे और जनता में मैसेज जाए कि श्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा अफसर को लाया है जो शिक्षा में सुधार कर रहा है, जो नीतीश जी कहते भी हैं कि ईमानदार है और सुधार कर रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये उनका भ्रम है, शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि शिक्षकों को परेशान और अपमानित किया जा रहा है, जिससे कदापि शिक्षा में सुधार नहीं होगा और दूसरी ओर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। तो आपने सुना, देखिए के पाठक ने फरमान जारी किया है, शिक्षकों का जो प्रशिक्षण हो रहा है अगर उसमें वो उपस्थित नहीं होते हैं तो 7 दिनों का वेतन काट लिया जाएगा। इस फरमान के बाद एक बार फिर से तमाम जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता हैं वो गुस्से में हैं। कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया जाएगा। वहीं अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। खैर इस वीडियो में इतना ही, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।